बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। टुडेज़ टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज़ चैप्टर नंबर 78, एड्रीनो कॉर्टिकल हारमोन्स या एड्रीनल कॉर्टेक्स के हारमोन्स। तो इस वीडियो के अंदर हम इस चैप्टर की बेसिक गाइडलाइंस को कवर करेंगे, मतलब आपने इस चैप्टर में से क्या क्या चीज़ें करनी है, MCQs पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से और वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से, और इस चैप्टर में से क्या SCQ आने का कोई चांस है, तो सब कुछ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने वाला हूँ। तो अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल पर हो या फर्स्ट टाइम नहीं हो लेकिन सब्सक्राइब करके वीडियो को नहीं देखते, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहेगी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। तो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो क्वेश्चन आता है वो आता है इसके ब्लू बॉक्स से, क्लिनिकल के हवाले से आता है, मतलब वो कोई ना कोई क्लिनिकल सिनेरियो दे देगा। वो एडिसन डिजीज़ या कुशिंग सिंड्रोम या इसके साथ साथ कोन सिंड्रोम या एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, यानी किसी भी एंडोक्राइन प्रॉब्लम का या एंडोक्राइन डिसऑर्डर का सिनेरियो बना देगा। उस सिनेरियो में सबसे पहले आपने क्या करना होगा, डायग्नोस करना होगा। वो बताएगा कि एक किसी इंडिविजुअल को हाइपरग्लाइसीमिया है, उसके साथ साथ कुछ माइल्ड हाइपरटेंशन भी है, ACTH लेवल ये है, कॉर्टिसोल लेवल ये है, तो आपने डायग्नोस करना है कि उसको कौन सा डिजीज़ है। तो सबसे पहले आपने क्या करना होता है, डायग्नोस करना पड़ता है किसी डिजीज़ को। डिजीज़ को डायग्नोस करने के बाद फिर आपने करना क्या है, फिर आपने ये करना है, डायग्नोस करने के बाद किसी ना किसी हार्मोन के बारे में पूछेगा, मतलब जो उसका जो एंडोक्राइनोलॉजी के अंदर जो बेसिकली जो क्वेश्चन आता है वो डिजीज़ के हवाले से आता है। किसी न किसी डिजीज़ को डायग्नोस करना, फिर उस डिजीज़ के अंदर जो हार्मोन डेफिशिएंट होगा या हार्मोन एक्सेस होगा, उस हार्मोन के फंक्शन या नॉर्मल फिजियोलॉजी को पूछेगा। तो यहाँ पर रिट्रोग्रेड फैशन से आपने तैयारी करनी है। तो आपने पहले करना क्या है, आपने एडिसन डिजीज़, कुशिंग सिंड्रोम, इसके साथ कोन सिंड्रोम और ये एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम, आपने सिर्फ चार क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटी इनके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया को देख लेना है, यानी आपने इनके साइंस सिप्टम को नोट कर लेना है, डिफरेंशिएटिंग जो साइंस सिप्टम आपको कौन सिंड्रोम को एड्रीनोजेनिटल से, एड्रीनोजेनिटल को कुशिंग से, कुशिंग को एडिसन से, या एडिसन को कुशिंग से, मतलब आपने कुछ इंपॉर्टेंट साइंस सिप्टम को आपने लिख लेना है अपने नोट्स में। उससे आप ये कर सकोगे कि आप एडिसन डिजीज़ को या कुशिंग सिंड्रोम को या कुशिंग डिजीज़ को या कौन सिंड्रोम को या एड्रीनोजेनिटल सिंड्रोम को आसानी से डायग्नोज कर सकोगे जब भी वो एग्जाम के अंदर कोई ना कोई क्लिनिकल साइंस सिप्टम देगा। तो आपने क्या करना है, आपने इनके नोट्स को यानी इनके साइंस सिप्टम को तैयार करना है, क्योंकि इसके ब्लू बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक हो गया। अब एग्जाम में डायग्नोस करने के बाद वो किसी हार्मोन के फिजियोलॉजी को पूछता है, ठीक है, फिजियोलॉजी को। तो पहले मैं SCQs पॉइंट ऑफ व्यू से क्या किसी मिसाल के तौर पर कुशिंग सिंड्रोम का उसने स्नैरियो दे दिया, तो वो ये पूछेगा कि कुशिंग सिंड्रोम के अंदर हार्मोन कौन सा होगा, कॉर्टिसोल होता है, तो वो पूछेगा कि कॉर्टिसोल के फंक्शन क्या होते हैं। तो आपने हार्मोन के फंक्शन को करना है, आपने कुछ इस तरह से करना है फंक्शन को कि आपने इनकी हेडिंग को नोट कर लेना है, मेन हेडिंग, जिस तरह कॉर्टिसोल का मेन फंक्शन है स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। जब आपने लिखना होगा एग्जाम में तो आप पूरा ही तो लिख नहीं सकोगे, सिर्फ आप हेडिंग को याद रख लो, वो आप आसानी से लिख सकते हैं। जिस तरह वो पूछेगा कि कॉर्टिसोल का कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म में क्या फंक्शन होता है, तो आप ये लिख सकते हो, नंबर वन स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस, नंबर टू डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल्स, नंबर थ्री एलिवेटेड ब्लड ग्लूकोज कंसेंट्रेशन एंड एड्रीनल डायबिटीज। तो आप पॉइंट बना के हेडिंग को आप पॉइंट्स के फॉर्म में लिख सकते हो। जैसे प्रोटीन मेटाबॉलिज्म में पूछता तो आपने बताना रिडक्शन इन सेलुलर प्रोटीन या इंक्रीज लीवर एंड प्लाज्मा प्रोटीन, और इसके बाद इंक्रीज ब्लड अमीनो एसिड डिमिनिश ट्रांसपोर्ट, ये सारा हेडिंग में नोट कर सकते हो। और कोर्टिसोल का मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जो एग्जाम के अंदर पूछा जाता है वो होता है इसके एंटी इन्फ्लेमेटरी, हमारा जो आया था वो एंटी इन्फ्लेमेटरी आया था। तो आपने ये वाले जो पॉइंट्स हैं इनको आपने अच्छे से तैयार करना है, इसको फ्लो चार्ट में बना के लिखना है, तभी आपको इंशाल्लाह ताला पूरे नंबर मिलेंगे। तो कोर्टिसोल का तो आपको बता दिया कि क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है, ये भी आता है कि कोर्टिसोल इम्यून सिस्टम को कैसे सप्रेस करता है, किन किन सेल्स की सप्रेशन को सप्रेशन रोक देता है, यानी अगर कॉर्टिसोल लेते हैं तो फिर आपको लिम्फोसाइटोपिनिया या ईओसिनोपिनिया, मतलब ईओसिनोफिल और लिम्फोसाइट का काउंट नीचे की तरफ देखने को मिलता है। ठीक हो गया। ये पूछी जाती है SCQs में। इसी तरह ये अगर पूछा जाए एल्डोस्टेरोन के, तो एल्डोस्टेरोन के फंक्शन भी आपने हेडिंग वाइज देख लेने हैं, क्योंकि सारा अंदर डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है। और जो एल्डोस्टेरोन है इसको आपने प्रॉपर करना है रीनल से, लेकिन अगर आपने एंडोक्राइन से करना है तो आपने सिर्फ प्रॉपर हेडिंग को याद रख लेना कि एल्डोस्टेरोन का पहला फंक्शन है रीनल ट्यूबुलर सोडियम की रीअब्सॉर्प्शन को, पोटेशियम की सिक्रेशन को, हाइड्रोजन आयन की सिक्रेशन को करवा देना। ठीक हो गया। तो ये होगा एल्डोस्टेरोन का फंक्शन। तो इसी तरह जो कौन सिंड्रोम में पूछा जाएगा कि एल्डोस्टेरोन कौन सा हार्मोन इन्वॉल्व है, तो आपने बताना एल्डोस्टेरोन, पूछ सकता है एल्डोस्टेरोन के फंक्शन क्या है, तो फिर
तो जो फंक्शंस हैं वो SCQs में इंपॉर्टेंट है। अब जो MCQs में जो चीज़ें पूछी जाती है वो मैं बता देता हूँ। MCQs में भी कोई ना कोई क्लिनिकल सिनेरियो बना देगा, कौन सिंड्रोम का, कुशिंग सिंड्रोम का, कुशिंग डिजीज़ का, खासकर कुशिंग सिंड्रोम और कुशिंग डिजीज़ का, जिसमें ACTH नॉर्मल और एक में ACTH नहीं, इस एक में ACTH एलिवेटेड या नॉर्मल और दूसरे में सप्रेस देखने को मिलता है। तो कुशिंग डिजीज़ और कुशिंग सिंड्रोम के दरमियान डिफरेंस, इसको अपने अच्छे से कर लेना, क्योंकि ये भी पूछा जाता है MCQs में भी, वाइवा के अंदर भी, और कभी कभार SCQ में भी पार्ट बन के आ जाता है। मैं आपको बताने वाला था MCQs के लिए। तो यहाँ पे कुछ MCQs छुपे हुए हैं एड्रीनल एंड्रोजन्स के, तो आपने यहाँ पे देख लेना है कि जो एंड्रोजन्स होते हैं फीमेल में कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं और ये असल में इनका फंक्शन क्या होता है। उसके साथ ये डायग्राम भी MCQs में आ सकती है कि जो ACTH या बीटा लाइपोप्रोटीन यानी पिच्यूटरी से कौन कौन से प्रोड्यूस हो सकते हैं, प्रोपियो मेलानोकॉर्टिन जीन से, और इसी की तरह जो स्किन के मेलानोसाइट्स वहाँ पर कौन कौन से हार्मोन प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो फिर आपने इस डायग्राम को भी देख लेना, यहाँ से भी कोई ना कोई MCQ बन सकता है। ठीक हो गया। और यहाँ पर जो इसका ये वाला जो है, ये वाला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपने बायोकेमिस्ट्री के अंदर भी करना है। तो मैं आपको कहता हूँ कि एक ही जगह से अच्छे से कर लो, हार्पर से कर लो ये पूरा पाथवे। कभी कभार ये 2 नंबर का 1 नंबर का ड्रा करने को आ जाता है कि पूरा बायोसिंथेटिक पाथवे, तो ये भी आप अच्छे से कर लेना। ठीक हो गया। बाकी आपने रीड तो जनरल करोगे कि ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और मिनरलोकॉर्टिकॉइड एंड्रोजन्स कहाँ से प्रोड्यूस होते हैं, बाकी ये तो इसकी हिस्टोलॉजी में आ जाएगा। ठीक हो गया। MCQs में ये भी आ सकता है इनकी पोटेंसी का, कि मिथाइल प्रेडनिसोन ये सिंथेटिक है या नेचुरल है, उसकी पोटेंसी कितनी होती है, तो आपने ये भी MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है। ठीक हो गया। और इनके स्टिमुलस तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस एग्जाम में कभी कभार ये आ जाता है कि वो कौन सा स्टिमुलस है जो एल्डोस्टिरोन के सिक्रेशन रेगुलेट नहीं करेगा, तो वहाँ पे पोटेशियम, सोडियम, ACTH कोई भी बता सकता है, तो आपने इनके स्टिमुलस को सिर्फ याद रखना है, ये भी MCQs में आ सकते हैं। ठीक हो गया। ये भी इसके साथ साथ ये वाला फ्लो चार्ट, ये भी SCQ में आ सकता है, ये वाला, कि आपको जो कॉर्टिसोल की सिक्रेशन को कंट्रोल करना है तो फिर इसका मैकेनिज्म क्या क्या होता है, ये पूरा एक कह सकते हैं एक्सिस बनता है, यानी हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रीनल एक्सिस। ठीक हो गया। एक्सिस का मतलब होता है कि हाइपोथैलेमस कुछ रिलीजिंग हार्मोन प्रोड्यूस करेगा, वो एंटीरियर पिट्यूटरी के हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करेंगे, एंटीरियर पिट्यूटरी कोई हार्मोन प्रोड्यूस करेगा जो एड्रीनल कॉर्टेक्स के हार्मोन की सिक्रेशन को कंट्रोल करेंगे, और जो हार्मोन प्रोड्यूस होगा वो हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी दोनों के ऊपर नेगेटिव फीडबैक भेजेगा। ठीक हो गया। तो ये आपको नेगेटिव फीडबैक नजर आ रहा था। तो ये तो था बेसिक ओवरव्यू गाइडलाइंस वाली वीडियो। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, और चैनल पे नए हो या नई नहीं हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और इस चैनल को 1K तक तो पहुंचा दो प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।